नमस्कार, आप देख रहे हैं CCTV 24 न्यूज चैनल। दिन की छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCTV 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। मत प्रतिशत बढ़ने की कामयाबी के पीछे प्रयागराज का पतविंदर सिंह भी चावला, अनोखी मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी। मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नैनी प्रयागराज समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने पिछले 30 वर्षों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हुए विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों के विभिन्न पेपर कटिंग की कतरन की प्रदर्शनी गुरु नानक नगर स्थित स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह सभागार में लगाकर आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर सुभाष चंद्र चावला ने अपने संबोधन में कहा कि समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने मतदाताओं को जागरूक करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पिछले 25 वर्षों से देश के विभिन्न कोने में भ्रमण कर मतदाताओं को जगाने के लिए चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं पूरे कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ मेला क्षेत्र में मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र मजबूत करें कर संदेश विभिन्न माध्यमों से दिया, जैसे कि भिखारियों के साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों के प्रांगण में बैठकर मतदाताओं को प्रेरित, मतदाताओं की चरण पादुका साफ कर, मतदाताओं के चरण धोकर अपने नग्न शरीर पर सूक्ति वाक्य लिखकर, दीवार लेखन चौपाल लगाकर, नंगे पांव पदयात्रा एवं साइकिल यात्रा। सबसे आश्चर्यजनक बात, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने मुँह पर कालिख पोतने में भी संकोच नहीं किया। मतदाताओं के बीच में भ्रमण करते रहे, जूते चप्पलों की माला पहनकर गधे पर सवार होकर भ्रमण। मतदाताओं युवाओं के चरण पादुका हाथों में सजोकर एक कदम मतदान की ओर, बस एक ही उद्देश्य रहा कि मतदान 100% हो जाए। जागरूकता के लिए कभी किसी से आर्थिक सहयोग नहीं लिया, ना ही किसी सरकार ने सम्मान दिया। पिछले 25 वर्षों से मतदाता जागरूकता जैसे आदि सामाजिक कार्य देश भर में किए, किंतु प्रयागराज में लगे 2019 दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के पूरे 50 दिनों तक नियमित बराबर भ्रमण कर तख्त पर बैठकर जब श्रद्धालु स्नान करके आता चंदन लगवाने के लिए, तो सरदार पतविंदर सिंह उन्हें दूसरे चंदन की याद जरूर करवाते कि कुछ महीने के बाद एक भव कुंभ लोकतंत्र का लगने वाला है, उसमें भी स्नान मतदान कर उंगली में नीली स्याही जरूर लगाकर लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद को मजबूत करिएगा। शिव कुमार दुबे ने कहा कि समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने कहा है कि कुंभ 2019 के दौरान लाखों श्रद्धालु 50 दिनों तक संगम पर रहे। इस दौरान 22 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की सरकारी आंकड़ा है। समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह नियमित रूप से मतदाताओं श्रद्धालुओं को राष्ट्रभक्ति देश प्रेम के साथ मतदान अवश्य करने को कहा। कुंभ में हिंदी पट्टी के राज्यों मसलन मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा के लोग खासे प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अपने शहर कस्बों में जाकर लगने वाले लोकतंत्र के कुंभ स्नान मतदान की बात बताई और जो खूब चली, क्योंकि कई प्रांतों से श्रद्धालुओं मतदाताओं ने मतदान कर सेल्फी हमें भेजी कि हमने राष्ट्रवाद को मतदान कर दिया। समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने कहा है कि हमें बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, इस बार माताओं और बहनों ने कमाल कर दिया। समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह माघ मेला 2022 क्षेत्र में मतदाता जागरूकता का अभियान बराबर चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को विशेष रूप से स्वच्छता प्रहरियों के चरण पादुका धोकर मतदान के महत्व के बारे में बताएंगे। सुभाष चंद्र चावला, राघवेंद्र त्रिपाठी, शिव कुमार दुबे, धर्मेंद्र वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, दलजीत कौर, हरमन जय सिंह, कई गणमान्य समाजसेवी उपस्थित रहे। जैसा कि पतविंदर सिंह के हम लोग प्रदर्शनी देख रहे थे, इनके जितने भी वो है, तो इन्होंने समाज के प्रति एक अच्छा कार्य किया, लोगों को जागरूक करने का इनका एक जो मिशन है, जो अभियान है, उससे जुड़ी तमाम यहाँ पे फोटोज भी हमको देखने को मिल रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका कार्य सराहनीय है, इसके लिए समाज के लिए मिसाल बने पतविंदर सिंह। और
नहीं लगाई।